नमस्कार, आकिब सिबन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग देखली में है और आज सावन का लास्ट सोमवारी है, इसको लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देखली पर पहुंच चुके हैं और जलाभिषेक करने के लिए एक एक कर लाइन में लगे हुए हैं। पूरी तस्वीरें देख लीजिए कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और अभी बारिश भी हल्का हल्का चालू हो चुका है और बोल बम के नारों से पूरा देखली धाम गूंज उठा है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहां तक हमारे कैमरे की नज़र पहुंच रही है वहां तक की तस्वीरें आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यूँ कह लीजिए कि देखली धाम में जलाभिषेक करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय पहुंच चुके हैं और तस्वीरें निकलने लगी है। जहां तक हमारे कैमरे की नज़र पहुंच रही है वहां तक की तस्वीरें आपको दिखाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मेन गेट से लेकर जो एग्जिट वाली द्वार है वहां ऊपर से लेकर तमाम जगहों पर इस समय यूँ कह लीजिए कि देखली धाम के अंदर पूरा जगह फूल चुका है, इतनी भीड़ हो चुकी है। सबसे करने के लिए सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और देख लीजिए किस प्रकार से यहां से बैरिकेडिंग बनाया गया है और इस प्रकार से दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तस्वीर लोग काफी संख्या में यहां पर बैरिकेडिंग के सहारे लोग द्वार इधर से बनाया गया है और इधर से बैरिकेडिंग लेकर दूसरे तरफ से ले जाया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो पाए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में इस समय श्रद्धालु आ चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरें आप देख लीजिए किस प्रकार से अब तस्वीरें निकल रही है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक के लिए जुट चुके हैं। सावन का आज लास्ट सोमवारी है, इसको लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहाँ की तस्वीर, क्या नाम हुआ? जितेंद्र पासवान जी। कितने घंटा पहले कितने श्रद्धालु आ जाए? सावन का लास्ट सोमवारी जी, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? हम लोग को बहुत भोला बाबा पर अथी है, विश्वास है, विश्वास है, इसलिए हम लोग भोला बाबा कोई मनोकामना मांगे हम लोग मनोकामना क्या जिंदगी जान आबाद रहे सब कुछ पूरा होगा भोला बाबा। ठीक है, धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जहाँ पर जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर पड़ रही है वहाँ तक तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेडिकल कैंप भी लगाया गया है कि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और जबकि तस्वीरें हम आपको दिखा दें, इस समय हम लोग देखली धाम में हैं और हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु अब पहुंचने लगे हैं। पूरी कैंपस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार चारों तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे कैंपस की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि लाखों की संख्या में इस समय श्रद्धालु अब आ चुके हैं और लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिससे बैरिकेडिंग के सहारे लोग किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो उस तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले? कितना देर पहले यहाँ? तो इस तरीके की तस्वीर आप निकल रही है, लाखों की संख्या में और यहाँ पर पूरे कैंपस की तस्वीरें देख लीजिए, चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा कैंपस इस समय यहाँ पर भरा हुआ है। यूँ कह लीजिए कि श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर जुट चुके हैं, अंदर की तरफ थोड़ा चल रहे हैं वहाँ की तस्वीरें और इस कैंपस की तस्वीरें देख लीजिए कि मेन द्वार बनाया गया है और यहाँ से लिया जा रहा है ऐसे घुमाकर। और जो जलाभिषेक करने की बात कही जाए, हम आपको कहें कि वहाँ मेन द्वार बनाया गया है जिससे वहाँ से लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, वर्षगिरी में जाकर लोग दर्शन कर रहे हैं। एक साथी है, मुझसे बात कर लेते हैं कि कितना भैया से लाइन लगा हुआ। अब सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। कितना सवेरे से यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिला है? आलोक जी, लगभग 50-50,000। कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे होंगे? भैया को भेजो, भैया को भेजो। संदीप भैया, आप बताइए ना कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे? भैया जी आए 70-75,000। 1,00,000। तो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग देखली धाम परिसर में है और तस्वीरें देख लीजिए कि श्रद्धालु किस प्रकार से, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है। यूँ कह लीजिए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं और चारों तरफ बैरिकेडिंग सजाया गया है, चारों तरफ किस प्रकार से भीड़ जम चुकी है और प्रशासन की भी काफ़ी सराहनीय पहल कही जाएगी। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग, मंदिर की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी कही जाएगी, चारों तरफ अच्छे बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और प्रशासन यहाँ पर काफ़ी चुस्त है। बैरिकेडिंग के सहारे लोगों को अंदर की तरफ दर्शन कराया जा रहा है कि किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो पाए और जगह जगह पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी की गई है मेन द्वार से लेकर चारों तरफ। और ये अहम बात हम आपको बताएं, सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ
मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और चारों तरफ नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरा से, वो भी काफी अच्छी बात कही जाएगी। और यहाँ से बैरिकेड लगाया गया है और काफी संख्या में इस समय भीड़ उमड़ चुका है। कुछ तस्वीर देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ उमड़ने लगी है। आज सावन का लास्ट सोमवार है, लोग यहाँ पर आए होंगे, लोगों का जैसे भीड़ देखकर जैसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे होंगे। अभी तक 1 लाख पहुंच चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यह आपको शाम तक और जितने भी लोकसभा बीमारी को हुआ है और लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन इस भोले बाबा के प्रति, मनोकामना पूर्ण भुवनेश्वरनाथ के प्रति बढ़ती जा रही है। और हम लोग अपने स्तर से भी श्रद्धालु लोग के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और आज जिला प्रशासन का सहयोग पूरा इतना अच्छा श्रावण मेला संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग संत परिवार से पूरे जिला परिवार, जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब, प्रशासन धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके अथक प्रयास से बिना कोई घटना घटने अच्छी तरह से यह मेला संपन्न हो रहा है। और उम्मीद है कि प्रशासन का सहयोग और श्रद्धालुओं का सहयोग आगे भी हम लोग को मिलता रहे। तस्वीरें इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रशासन की अगर बात कही जाए, काफी स्थानीय पहुंच कही जाएगी और काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। हमारी बातचीत भी क्या, महंत परिवार के लोग थे, उनसे बातचीत क्या, उन्होंने क्या कहा उनको आपने सुना। और तस्वीरें देख लीजिए कि श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भीड़ उमड़ चुके हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय। आप मीनापुर निवासी, आप मोरन मंडल के पास बच्चे को लेकर आ जाए, आपके घर से लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके साथ ही टीचर के पास आपका इंतजार।